सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा लेना है और गाड़ी आपको न्यूट्रल। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि महिंद्रा XUV 500 में हम ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। और जैसा कि आप इंटीरियर देखकर समझ गए होंगे, मैं आज बैठा हूं महिंद्रा XUV 500 में। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा लेना है और गाड़ी आपको न्यूट्रल कर लेना है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी गियर में होगी तो आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से बहुत से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करेंगे हम महिंद्रा XUV 500 में। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। एक मिनट, पैटर्न गलत हो गया। तो मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको जो है इसमें क्या करना है, हैंड ब्रेक मैंने लगा लिया है, उसके बाद बाइटी म्यूज़िक पर क्लिक करना है हमें। बाइटी म्यूज़िक पर क्लिक करने के बाद आपको पेयरिंग सेटअप पर क्लिक करना है। जल्दी से पेयरिंग सेटअप पर क्लिक करने के बाद स्कैन फॉर ड्राइव पर ओके करना है। और अब हमारी जो है स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है, स्कैनिंग होगी। और इसमें जो आपके फ़ोन का नेम है वो नेम आना चाहिए। जैसे ही वो नेम आएगा इसमें तो उस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके ड्राइव फ़ोन ड्राइव में भी जो है वो चीज़ आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, फिर से हम करेंगे, अभी एक दो बार में हो सकता है ना आए, इस पर हम फिर से ओके करेंगे, स्कैन फॉर ड्राइव पे ओके करेंगे हम। तो अभी हमारी स्कैनिंग चल रही है और स्कैनिंग में जो है आपके फ़ोन का नाम आएगा। ये देखिए हमारे फ़ोन का नाम आ चुका है नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और अब हमारे फ़ोन में भी पासवर्ड मांग रहा है। ये देखिए पासवर्ड मांगने लगा इसमें, तो इसमें आपको डाल लेना है अपना पासवर्ड। इसमें लिख कर आ रहा है 1 2 3 4, तो इसमें हमें 1 2 3 4 डाल देना है। 1 2 3 4, 1 मिनट, अभी गलत हो गया, मैं फिर से डाल देता हूँ। 1 2 3 4, इस पर हमें ओके कर देना है। मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर आप देखिए रिक्वेस्ट, फ़ोन कनेक्ट हो गया है हमारा। और फ़ोन कनेक्ट के बाद जो है आपको म्यूज़िक भी कनेक्ट करना है, तो म्यूज़िक भी अपने आप कनेक्ट हो जाता है, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आप प्ले वाला म्यूज़िक वाला बटन देख रहे हैं, इस पर ओके कर देना है हमें। और इसमें जो है अभी USB लगी है, तो आप देख सकते हैं अभी USB वाले गाने बोल रहे हैं इस तरीके से। तो आपको अब क्या करना है, अब बाइटी म्यूज़िक पर क्लिक कर देना है। बाइटी पर म्यूज़िक पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो है हमारा फ़ोन का जो है स्टार्ट हो गया है। अब हम जो भी अपने फ़ोन में म्यूज़िक वगैरह बजाएंगे वही इसमें बजेगा। तो मैं आपको यहाँ पे जो है नॉन कॉपीराइट सॉन्ग सुना देता हूँ, क्योंकि अगर गाना लगाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं नॉन कॉपीराइट आपको सॉन्ग सुना देता हूँ यहाँ से NCS का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यूट्यूब खोलते हैं, तो यहाँ पर मैं NCS लगा लेता हूँ। NCS मैंने लगा दिया है, तो भाई यहाँ पे सॉन्ग आ चुके हैं NCS के म्यूज़िक। और अभी यहाँ पर ब्रेक आ रहा है और मैं भी आपको सुना देता हूँ। ये देखिए, तो भाई आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए तो भाई अब हमारा फ़ोन का जो है ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। तो भाई अब हमारे फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट, अब महिंद्रा XUV 500 में हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है केवल अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, बाकी स्कैन जो है आपको गाड़ी से करना है। यहाँ पे बाइटी म्यूज़िक पर ओके करने के बाद आपको स्कैन करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप स्कैन हो जाएगा, आपके फ़ोन का नाम इसमें लिख के आएगा, उस पर आप कनेक्ट ओके करेंगे। उस पर ओके करने के बाद जैसे ही आपके फ़ोन में कनेक्ट होगा तो आपको पासवर्ड मांगेगा आपके फ़ोन में, तो आपको वो पासवर्ड डाल देना है 1 2 3 4, उसके बाद आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए। तो भाई इस तरीके से जो है हम महिंद्रा XUV 500 में हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई यही थी कुछ जानकारी। और कैसी लगी आप सभी को वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कार और बाइक से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और अगर आपको किसी और बारे में जानना है या आप और किसी कार का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।